हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज हम कक्षा 8 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 34 पढ़ेंगे। इसके अंदर आप चार अंकीय संख्याओं के जोड़ को समझ रखने की जो दक्षता है वो हासिल कर पाएंगे। इसके अंदर बिना हासिल वाले भी हैं और हासिल वाले जोड़ भी हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। 5003 प्लस 502 का जोड़ है, तो ये 5003 और 502 का जोड़ कितना होता है, 3 2 5 होते हैं, 0 0 0 ही होता है, 0 5 5 होता है और 5 के 5 यानी 5505। तो सही आंसर है ये क। फिर है ख है इसका, 9852 तथा 2334 का जोड़ कितना है, वही जोड़ना है। इधर दे रखा है 2 4 6 होते हैं, 5 3 8 होते हैं, 8 3 11 होते हैं, 11 का 1 लिखेंगे और आगे हासिल 1 लगा देंगे, तो 1 और 9 10 हो जाएंगे, 10 और 2 12 हो जाएंगे, यानी कि 12186 जो कि ख में है, तो ये राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है कि हल करें, वही जोड़ी करनी है, तो 6 6 12 के 2 यहाँ लिखेंगे, हासिल का 1 आगे लगा देंगे, 1 और 5 6 होते हैं, 6 और 4 10 का 0 यहाँ लगाएंगे और 1 हासिल का आगे लगाएंगे, तो 1 और 3 4 हो जाते हैं, 4 और 0 4 ही होते हैं, तो 4 लिखेंगे, फिर 8 और 3 11 होते तो ये 11 लिख दिया, ये इसका हल हो गया है। ख में है, 8 और 9 17 होते हैं, 17 के 7 उतारेंगे, हासिल का 1 आगे लगाएंगे, 1 और 7 8 होते हैं, 8 और 9 17 होते हैं, तो 17 के वापस 7 उतारेंगे और हासिल का 1 आगे उतारेंगे, तो 1 और 5 6 होते हैं, 6 और 9 15 होते हैं, 15 के 5 यहाँ उतारेंगे, हासिल का 1 यहाँ उतारेंगे, 1 और 4 5 होते हैं, 5 और 2 7 यहाँ उतार देंगे, तो 7577 प्राप्त हो जाएंगे। फिर 2 और 6 8, 7 और 0 7 ही, 9 और 6 15 के 5 और हासिल का 1, तो 1 और 6 7, 7 और 8 15 होते हैं, तो यहाँ 15 उतार देंगे। फिर आगे देखते हैं, 0 और 9 9 ही होते हैं, 8 और 9 17 होते हैं, 17 के 7 हासिल का 1, 1 और 5 6 6 और 9 15 15 के 5 हासिल का 1, तो 1 और 2 3 3 और 9 12, तो यहाँ 12 ये लिख देते हैं। फिर आगे देखते हैं, लास्ट है इसके अंदर, 4 और 5 9 होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं, 2 और 8 10 हैं, इसका 0 यहाँ उतर जाएगा, 1 हासिल का लग जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जोड़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अगला जो प्रश्न है उससे पहले, यानी कि भारतीय अंकों में प्रदर्शित संख्याओं को जोड़ें, तो भारतीय जो अंक हैं वो मैंने लिख दिए यहाँ पर, ये भारतीय अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इनको जोड़ना है और भारतीय अंकों में ही इसको हल करना है। शुरू करते हैं, ये भारतीय अंक हैं, तो 2 और 2 4, तो 4 ऐसे होते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ये 4, फिर 4 और 8 12 होते हैं, तो 12 के 2 और हासिल का 1 यहाँ उतार देंगे, और 1 और 6 ये 6 हैं, 3 ऐसे होते हैं, 6 ऐसे होते हैं, 3 के उल्टे 6 होते हैं, तो 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 के 5 ऐसे उतार देंगे और हासिल का 1 आगे लग जाएगा, फिर 1 और 3 4 हो जाएंगे, ये 4। फिर खे में देखते हैं, ये 3 हैं और ये 6 हैं, 3 और 6 9 होते हैं, तो 9 को ऐसे लिखते हैं, फिर 2 और 2 4 होते हैं, ये 4, फिर 4 और 2 6 होते हैं, तो 3 के उल्टे 6, फिर 6 और 9 15 होते हैं, तो 15 का 15 ही लिखेंगे, ये 5 और ये 1 गए। देखते हैं, 4 और 5 9 है, तो ये 9, फिर 2 और 1 3 है, तो ये 3, ये 3 और 1 4 हैं, तो ये 4, 4 और 4 8 हैं, तो ये 8। फिर आगे देखते हैं, 2 और 4
छः हैं, ये छः, छः जीरो छः ही होते हैं, ये छः, तीन तीन ये भी छः, फिर ये आठ और एक नौ, ये नौ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है कि सालू ने दीपावली के अवसर पर 7,570 रुपए की वॉशिंग मशीन और 1,275 रुपए में प्रेस खरीदी, बताइए सालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो इनका जोड़ करना है। वॉशिंग मशीन का मूल्य बराबर 7,570 व प्रेस का मूल्य बराबर 1,275 रुपये। तो इनको जोड़ देंगे, कुल मूल्य निकालना है, कुल जो खर्च किया है, तो इसके लिए इनको जोड़ देंगे। ये 7,570 और ये 1,275, इनको जोड़ेंगे तो 0 और 5 5 ही होते हैं, 7 14 के 4 हो जाएंगे, हासिल का 1 लग जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएंगे, 6 और 2 8, फिर 7 और 1 8। तो इस प्रकार से जो कुल उसने खर्च किए थे वो 8,845 रुपए हैं। वैसे ही अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक पानी की टंकी में 2,220 लीटर पानी है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया, बताएं अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। वही जोड़ करेंगे, 2000 पहले कितना था, 2,220 लीटर, और बाद में कितना था है, 999 लीटर और भरा। तो इसको जोड़ेंगे, 0 और 9 9, 2 और 9 की 11 के 1, हासिल का लगा 1, एक और दो तीन हो जाएंगे, तीन और नौ बारह, बारह के दो, हासिल का एक, तो एक और दो तीन, यानी कि अब उस टंकी में कुल 3,219 लीटर पानी है। टंकी में कुल पानी बराबर 3,219 लीटर। अंतिम प्रश्न छठा दे रखा है कि विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2,275 किलोग्राम चावल और 1,037 किलोग्राम गेहूं और 537 किलोग्राम दाल खरीदी, उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो गेहूं कितने थे, सॉरी चावल कितने थे, पहले चावल थे 2,275 किलोग्राम केजी, है ना, गेहूँ कितने हैं 1,037 किलोग्राम, और दाल भी उसने खरीदी थी, दाल कितनी खरीदी थी 537 किलोग्राम। तो इन सबको जोड़ना है, कुल कितना अनाज उसने खरीदा है वो बताना है। तो यहाँ इधर जोड़ कर देते हैं, 2,275, 1,037 और 537, जोड़ेंगे, 5 और 7 12 होते हैं, 12 और 7 19 होते हैं, तो 19 के यहाँ पर 9, हासिल का 1, 1 और 7 8 हो जाएंगे, 8 और 3 11 होते हैं, 11 और 3 14 होते हैं, 14 के 4, हासिल का 1, 1 और 2 3 होते हैं, 3 और 0 3 ही होते हैं, और 3 और 5 8 होते हैं, फिर 2 और 1 3। इस प्रकार से उसने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुल अनाज बराबर 3,849 किलोग्राम। इस प्रकार से ये कार्यपत्रक जो 34 हैं ये हल हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें।